तो डीएम साहब अपडेट दे रहे थे कि 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और उसमें धीरेंद्र का चचेरा भाई भी शामिल है। जबलपुर के जल्लाद की गिरफ्तारी के लिए इंडिया टीवी की मुहिम का बड़ा असर हुआ है। मध्य प्रदेश पुलिस ने जबलपुर के गुंडा नंबर 1 को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने ऑटो ड्राइवर को पीटने वाले मुख्य आरोपी अभिषेक दुबे को पकड़ लिया। अभिषेक को पकड़ने के बाद पुलिस ने शहर में उसका जुलूस निकाला। इस दौरान अभिषेक लगातार बोलता रहा, अपराध करना पाप। सुनिए जरा, ये वो अभिषेक दुबे है जो तस्वीरें आपने देखी थी, जो दाहिनी तरफ तस्वीरें आप देख रहे हैं। बेरहमी से ये ऑटो ड्राइवर को पीट रहा है। आपको सुनवाते हैं, सुनिए जरा क्या कह रहा है मुख्य आरोपी अभिषेक दुबे। अक्टूबर की घटना है। 11 अक्टूबर को स्कूटी से टक्कर के बाद ऑटो ड्राइवर को अभिषेक दुबे और उसके साथियों ने बेरहमी से पीटा था। तस्वीरें दिल दहला देने वाली थीं और बहुत तेजी से वायरल हुईं। हैरानी इस बात की है कि आरोपी अभिषेक दुबे को अपने किए पर कोई भी पछतावा नहीं है। जबलपुर में सरेआम एक शख्स को बुरी तरीके से मारने वाला ये मुख्य आरोपी अभिषेक दुबे आप देख सकते हैं, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसका जुलूस निकाला जा रहा है ताकि पूरे शहर में मैसेज दिया जा सके कि कानून व्यवस्था से कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। अभिषेक, क्यों मारा आपने, इतनी बुरी तरीके से क्यों मारा, क्या कहना चाहते हो? मेरी बहन का पैर तोड़ दिया उसने एक्सीडेंट करके। मैं जब वहाँ पहुँचा तो मैंने देखा कि मेरी बहन का पैर हड्डी टूट के लटक चुका है और उस वजह से मेरे को गुस्सा आया और मैंने उसे मारा। आप पुलिस के पास जा सकते थे, कानून है, एक्सीडेंट हुआ है, वो एक गरीब ऑटो चालक था। आपने जो तस्वीरें आपने देखी है किस तरीके से आपने मारा कि जैसे आप उसे अधमरा छोड़ देंगे, उतनी बुरी तरीके से उस पर ये ऑटो है आप देख सकते हैं। इस ऑटो की जो शेड है इससे आपने बुरी तरीके से मारा, कोई कसर नहीं छोड़ी थी उसे मारने में? मेरी बहन का जब पैर तोड़ दिया उसने, उसके बाद भी मेरी पूजा बहन साथ में थी, छोटी बहन का पैर टूटा और बड़ी बहन का हाथ पकड़ के खींच रहा था। मैं निर्भया कांड के बाद मोमबत्ती नहीं जलाना चाहता था, इसलिए मैंने मारा। तो देखिए, ये कहना है इस आरोपी का और फिलहाल इसका जुलूस निकाला जा रहा है जबलपुर इलाके में। आपका साथी कहाँ है, चंदन कहाँ है? फरार हो गया, कार से टक्कर मार के, लाल वाली कार से फरार हुआ था। उसके बाद उसने गाजियाबाद हापुड़ में कार छोड़ के गायब हो गया। आप नेपाल भागना चाह रहे थे? हम नेपाल नहीं, वहाँ गाजियाबाद मसूरी में मैं पकड़ा गया हूँ। देखिए, ये आरोपी जो है मुख्य आरोपी अभिषेक दुबे, आप देखिए अभिषेक दुबे को फिलहाल गिरफ्तार कर लिया गया है और गिरफ्तार करने के बाद पुलिस के साथ भी एक झड़प हुई है। इसे गाजियाबाद मसूरी के पास से पकड़ा गया है, इसका साथी चंदन फरार हो गया है और पूरी तरीके से बेशर्मों की तरह ये कह रहा है कि इसने जो किया इसे कोई पछतावा नहीं है। फिलहाल इसे गिरफ्तार कर लिया गया है, इसके ऊपर NSA लगाया जा रहा है ताकि इसकी जमानत ना हो पाए और इसका सड़क पर जुलूस भी निकाला गया है ताकि ऐसा कोई अपराधी इस तरह की घटना को इस शहर में अंजाम ना दे पाए। कैमरामैन दिनेश चंद के साथ अभय पराशर, इंडिया टीवी, जबलपुर। और यहाँ वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे बिहार में प्रधानमंत्री मोदी कितनी चुनावी रैलियाँ करने वाले हैं।